कॉन्फ्रेंस बड़े इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने खोला खुशियों का पिटारा। डीए में 4% की जबरदस्त बढ़ोतरी होने के साथ साथ एचआरए में फिटमेंट फैक्टर रिवीजन पर आई बड़ी अच्छी अपडेट। नया पे रिवीजन फार्मूला लागू होते ही कर्मचारी व पेंशनरों की खुशियों का ठिकाना नहीं। 18 माह बकाया डीए एरियर के भुगतान को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे मांग पत्र पर फैसले के बाद खातों में जारी करने के होंगे आदेश। सैलरी व पेंशन में डीए के साथ एचआरए फिटमेंट फैक्टर व अन्य कई भत्ते सभी एक साथ। सरकार के फैसले से सभी की टेंशन खत्म। जानेंगे सभी अपडेट को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों और पेंशनधारियों से संबंधित अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। जैसे कि आप सभी को पता है अभी महंगाई भत्ते को लेकर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। एक तरफ जल्द कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ 18 महीने बकाया डी एरियर पर फैसला हो सकता है तो वहीं दूसरी तरफ डीए के बढ़ते ही हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, ग्रेजुएटी और अन्य भत्तों का भी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में भी रिवीजन तय समय पर होगा। इसका लाभ 47 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज़्यादा पेंशन भोगियों को देखने को मिलेगा। सैलरी में 20,000 से 2.5 लाख रुपए तक का उछाल आएगा। हालांकि अभी तक सरकारी तरफ से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम को लेकर नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सरकार 68 लाख ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी, 52 लाख ज़्यादा पेंशन की एक व्यवस्था तैयार कर रही है। जब 50% डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए, इस व्यवस्था को ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम का नाम दिया जा सकता है। ये वही फॉर्मूला है जिसे अरुण जेटली लागू करना चाहते थे। उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में खुद रिवीजन होना चाहिए। विभाग को पता होना चाहिए कि उनकी कर्मचारी की परफॉर्मेंस कैसी रही और उन्हें कितना महंगाई भत्ता मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने तक इस मामले में कुछ भी साफ कहा नहीं जा सकता। सेवंथ पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन पर जब नया फार्मूला आएगा तो उसमें फिटमेंट फैक्टर की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। मतलब अब फिटमेंट फैक्टर भी नहीं बढ़ेगा। जो भी व्यवस्था लागू होगी उसके तहत कर्मचारियों के पे ग्रेड लेवल पर ही इजाफा होगा। सूत्रों की माने तो अब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने घटाने का सवाल नहीं है। जब सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला लाया जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर की जरूरत नहीं रहेगी।